वेलकम स्टूडेंट्स, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज नोइंग आवर नंबर्स. सो लेट्स बिगिन. आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्लेइंग विथ नंबर्स. प्लेइंग विथ नंबर्स. सो स्टूडेंट्स, हैव यू एवर नोटिस्ड योर आधार कार्ड? क्या आपने अपना आधार कार्ड कभी नोटिस किया है? आपने ये तो जरूर देखा होगा कि आधार कार्ड में नंबर किस तरीके के होते हैं, कितने डिजिट तक के नंबर होते हैं. आधार कार्ड में 12 डिजिट तक के नंबर होते हैं. ये इस टाइप के नंबर्स आपके आधार कार्ड में आपको देखने को मिलेंगे. यही नहीं कि यही नंबर्स होंगे, क्योंकि सबके नंबर डिफरेंट होते हैं. तो ये जो नंबर्स होते हैं ये हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं. जितने बड़े डिजिट के नंबर होते हैं सब हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं. जैसे हम किसी भी नंबर में जीरो, जितने ज्यादा जीरो ऐड करेंगे उतना बड़ा वो नंबर बनता जाएगा. ये देखिए, हम इसमें जितने जीरो ऐड करेंगे वो उतना बड़ा नंबर होता जाएगा. आप सोच रहे होंगे ये नंबर्स हम कहाँ यूज करते हैं. ये नंबर्स हम जैसे अब हमें कहीं किसी प्लेनेट का डिस्टेंस मेजर करना होगा, मून से अर्थ का डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ हम इन्हीं नंबर्स में मेजर करते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो करोड़ों में होता है उसका डिस्टेंस. आपको एक बात मैं और बता दूं, आज की डेट में हमारे इंडिया में 1.22 बिलियन आधार कार्ड्स इशू हो चुके हैं. कितने? 1.22 बिलियन. अब ये 1.22 बिलियन में कितने जीरोस होते हैं ये देखिए, इसे हम लिख सकते हैं 122 करोड़. ये देखिए, इस तरीके से वो नंबर आएगा. ये नंबर कितना बड़ा है, हम इस चैप्टर में इन्हीं नंबर्स के बारे में और जानेंगे और इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे. ये नंबर्स 7 डिजिट तक के हो सकते हैं. अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रिवीजन ऑफ नंबर्स अप टू 5 डिजिट. तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. प्रिया ने कुछ कार्ड्स को इस तरीके से अरेंज किया था, 9, 99, 999, 9999, कुछ इस तरीके से प्रिया ने कार्ड्स को अरेंज किया था. उसके पास 9 के और 10 के कार्ड्स थे, तो उसने इस तरीके से उन कार्ड्स को अरेंज किया था. तो आप इन कार्ड्स को देख के मुझको बता सकते हैं कि इसमें सबसे लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर कौन सा है. वन डिजिट नंबर कहा तो ये वन डिजिट है, तो ये हुआ लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर. और जब हम इसमें प्लस वन करते हैं तो हमें टू डिजिट नंबर मिलता है. ये रहा टू डिजिट नंबर. तो जब ये लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर तो नहीं है, ये वन डिजिट नंबर है, तो ये होगा लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर और ये टू डिजिट नंबर है, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट है, क्योंकि इसके बाद 11 स्टार्ट होगा और इससे पहले 9, और 9 है वन डिजिट नंबर, तो इसे हम स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर कहेंगे. स्मॉलेस्ट टू डिजिट और ये लार्जेस्ट वन डिजिट. ये हो गया लार्जेस्ट वन डिजिट. और ऐसे ही नीचे हम देखेंगे तो इसमें भी ये लार्जेस्ट टू डिजिट है, क्योंकि यहां पे टू डिजिट्स है, 99, ये 99 है, तो ये टू डिजिट नंबर हो गया. तो ये लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर है और ये स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर. ये हो गया लार्जेस्ट थ्री डिजिट नंबर, ये हो गया स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, ये हो गया लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर और ये हो गया स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर. जैसे ही हम इसमें प्लस वन करते हैं तो ये स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर हो जाएगा. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो मोर. अब हम जानेंगे प्लेस वैल्यू के बारे में. प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि आप जीरो और नाइन के बीच में के जो नंबर्स है उनके हेल्प से, जो डिजिट्स हैं
उनके हेल्प से कोई भी नंबर आप फॉर्म कर सकते हैं, कोई भी नंबर, क्योंकि जो नंबर होगा वो या तो 0 से लेके 9 के बीच में ही होगा, कोई भी नंबर हो सकता है वो 100, 200, 400, 500, ये सब जो होते हैं 9 के बीच में से, 0 और 9 के बीच में ही फॉर्म कर सकते हैं हम। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हम नंबर फॉर्म करते हैं, जैसे 200, 253, तो जैसे हमने ये नंबर फॉर्म किए हैं तो इनकी कोई ना कोई तो प्लेस वैल्यू होगी। प्लेस वैल्यू मतलब हम ये जानेंगे प्लेस वैल्यू क्या होती है। जैसे मैंने एक नंबर फॉर्म किया 5243, तो इसमें ये जो है ये वंस की प्लेस में है। वंस की प्लेस मतलब ये वंस की प्लेस में है, ये टेंस की प्लेस में है, ये हंड्रेड्स की प्लेस में है और ये थाउजेंड्स की प्लेस में है। तो अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि इन डिजिट्स की कोई ना कोई अपनी वैल्यू है, प्लेस वैल्यू। यहाँ पे अगर हम इसको रीड करेंगे तो ऐसे रीड करेंगे 5243, तो ये 40 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है। यहाँ पे टेंस पे आया तो इसे हम 40 रीड करेंगे, ये वंस पे है तो इसे 3 रीड करेंगे, ये 200 पे है तो हम इसे 200 रीड करेंगे, और ये 1000 पे है 5 तो हम इसे 5000 रीड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आप सामने ये टेबल देख पा रहे होंगे, जो मैंने ये टेबल बनाया है, इस टेबल से हम प्लेस वैल्यू को और अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने कोई नंबर लिया, एज एग्जांपल मैंने आपको नंबर दिया यहां पे 5, 6, 2, 4, 3, तो अब हम इस टेबल से समझेंगे 5 जो है वो कौन सी प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे है तो ये हो जाएगा 50,000, 6 जो है वो 1000 की प्लेस में है तो वो हो जाएगा 6,000, और 2 जो है वो है हंड्रेड्स की प्लेस में तो ये हो जाएगा 200, 4 जो है वो टेंस की प्लेस में है तो वो हो जाएगा 40, एंड 3 जो है वो है वंस की प्लेस में तो ये हो जाएगा सिंपल 3। ये जो ऊपर के डिनोट किया गया है वो पीरियड्स होते हैं, इसे हम जब लिखते हैं नंबर्स को तो कॉमा से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। जो वंस का पीरियड होता है वो वंस, टेंस और हंड्रेड तक होता है, और जो थाउजेंड का होता है वो 1000 और 10,000 के बीच में होता है। तो जब हम नंबर लिखते हैं तो इसी नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। जो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में इस नंबर को हम इस तरीके से लिखेंगे 56,243, ये हुआ इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, जो 5 है वो 50,000 हो जाएगा, 6 है ये 6,000 हो जाएगा, तो ये कंबाइन होके 56,243 हो जाएगा। उसके बाद हम इसे एक्सपांडेड फॉर्म में देखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, एक्सपांडेड फॉर्म में हम इसी नंबर को 56,243 को कैसे लिखेंगे। तो हम मैं आपको बता दूं, इसको हमें एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है तो हम 5 को 50,000 कर देंगे, उसके बाद प्लस ये जो 6 है वो 1000 की प्लेस में है तो इसे 6000 कर देंगे, प्लस 2 जो है वो 100 की प्लेस में इसे 200 कर देंगे, 4 जो है वो 10th की प्लेस में है तो इसे हम 40 कर देंगे, और जो 3 है वो 1s की प्लेस में है तो इसे हम 3 कर देंगे। ये हो गया इसका एक्सपांडेड फॉर्म, हमने इसको एक्सपांड कर दिया, स्प्लिट कर दिया हमने इसे। और अगला फॉर्म है वो है वर्ड फॉर्म। वर्ड फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, वर्ड फॉर्म में हम इसकी स्पेलिंग लिख देंगे, जैसे 56,243, ये हो गया इसका वर्ड फॉर्म।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सपांडेड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड वर्ड फॉर्म कि हम किसी नंबर को कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कोई कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो हमारा जो पहला एग्जांपल है हम वो लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, राइट प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड नंबर। हमें अंडरलाइंड नंबर जो है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो यहां पे ये 1 को अंडरलाइन किया गया है, तो आप मुझे इसमें देख के बता सकते हैं कि 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। 1 की प्लेस वैल्यू होगी ये वंस और ये टेंस। तो यहां पे 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 की प्लेस वैल्यू होगी 10। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस एग्जांपल में जो अंडरलाइंड है वो है 4। 4 को अंडरलाइन किया है, तो 4 कौन सी प्लेस पे आ रहा है, 4 आ रहा है वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो ये आ रहा है वंस की प्लेस में, तो हम इसको एज इट इज लिख देंगे, 4 प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन नंबर इज 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप कुछ एग्जांपल्स आप भी सॉल्व कीजिएगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। ये लीजिए, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया, ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर बता सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो हमारा है वो है फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू मैं आपको बता दूं, जैसे कोई नंबर दिया है हमें, अब इसमें उसकी फेस वैल्यू क्या होगी। अब 3 कहां पर है, ये प्लेस वैल्यू में अगर हम देखेंगे, प्लेस वैल्यू में ये नंबर होगी 3000, प्लेस वैल्यू होगी इस नंबर की 3000। बट फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू किसी भी नंबर की वो नंबर ही होती है जो सेम नंबर है, तो इसकी फेस वैल्यू 3 ही होगी। अब यहां पे अगर हमने 1 को अंडरलाइन कर दिया होता तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती, प्लेस वैल्यू हो जाती, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाती 1 लाख। 1 लाख और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि वो उसकी फेस वैल्यू है 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।